हेलो दोस्तों, तो सभी का स्वागत है यहाँ पर भारत बनाम अफगानिस्तान के को पाकिस्तान के बीच में। जी हाँ दोस्तों, भारत बनाम पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर आ चुकी है भारतीय टीम मैदान में, ग्राउंड में। यहाँ पर दोस्तों हलचल हो रही क्योंकि भारतीय टीम में रोहित शर्मा एंड उनके साथ क्रीज पर मौजूद दोस्तों यशस्वी जायसवाल। 40 बॉल 119 रन की दरकार है। मोहम्मद आमिर ओवर कर रहे हैं इस बार। आविट स्विंग दोस्तों पड़ गया था मोहम्मद आमिर की, लेकिन एक लैप इस्तेमाल सामने जट गया पूरे 4 रन। तो क्या शॉट मारा ये मोहम्मद आमिर दोस्तों, यहाँ पर बेहतरीन बॉलिंग करना जानते हैं। ये अच्छी बॉल डाली जरूर है, बिल्कुल दोस्तों आउट स्विंग कराते हैं मोहम्मद आमिर, लेकिन ये शॉट लाजवाब। मोहम्मद आमिर बिल्कुल पैरों के नीचे से गए, यहाँ पर धकेल दिया पर 4 रन के लिए दोस्तों रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा एक बेहतरीन बल्लेबाज है, इनकी तरह कोई बल्लेबाजी नहीं करता दोस्तों, ये युवक बल्लेबाज बहुत तेज बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर रोहित शर्मा दोस्तों। अगली बॉल दोस्तों मोहम्मद आमिर, अभी तक एक विकेट नहीं गिरी भारतीय टीम के, अच्छे खेलते दोस्तों रोहित शर्मा एंड यशस्वी जायसवाल। इस बार अगली बॉल दोस्तों यॉर्कर मारने की कोशिश, लेकिन ओ बीट के रोहित शर्मा को दोस्तों, लेकिन यहाँ पर रन के लिए भागे और बाल बाल बचे यार। अपील हुई है रोहित शर्मा के लिए, अपील हुई दोस्तों। क्या बैट टाइम पर टिका है या नहीं टिका है? ओ दोस्तों नहीं टिका है, टाइम पर बैट नहीं टिका है, पीछे टिका है दोस्तों, बैट टाइम पर नहीं टिका है, पीछे रह गए थे दोस्तों शायद। यहाँ पर ये आउट है, पक्का आउट है, बैट नहीं टिका है, दूर था यहाँ पर दोस्तों। तो देखने वाली बात होगी, टिका है टिक गया। जी हाँ, उस लाइन पर टिक गया, बच गया यहाँ पर रोहित शर्मा, बाल बाल बचे, नॉट आउट दिया जाएगा फैसला, बाल बाल बचे दोस्तों। मोहम्मद आमिर की क्या बॉलिंग है, दबाव में यहाँ पर दोस्तों रविंदर, यहाँ पर रोहित शर्मा बहुत अच्छी बॉल डाली, लेकिन थोड़ा सा बैट पहले टिका था दोस्तों, यहाँ पर रिव्यू लिया गया था इसलिए रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि रोहित शर्मा तेज बल्लेबाज है। तो दोस्तों बच गया यहाँ पर रोहित शर्मा, 38 बॉल 115 रन की दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार मोहम्मद आमिर दोस्तों छोटी बॉल रोहित शर्मा के सामने कोशिश की है, लेकिन रोहित शर्मा ने मारा है चिप शॉट 6 रन के लिए, चिपका हुआ शॉट दोस्तों रोहित शर्मा के बल्ले साथ, मोहम्मद आमिर पर बड़ा छक्का। क्या बॉल डाली दोस्तों, आउट स्विंग नहीं इन स्विंग हुई है बॉल, लेकिन रोहित शर्मा ने बिल्कुल उसका पूरा फायदा उठाकर जड़ दिया दोस्तों, यहाँ पर बेहतरीन छक्का, बिल्कुल भी इतना ही पड़ पाए दोस्तों। यहाँ पर वो उनके फील्डर वहाँ पर मौजूद जरूर थे, लेकिन वो भी कह रहे होंगे कि क्या शॉट मारा ये, जैसे बल्ले से निकली दोस्तों इतनी तेज गया कि 6 रन जड़ दिए पूरे के पूरे यहाँ पर रोहित शर्मा दोस्तों। 37 बॉल 109 रन की दरकार मुकाबले को विन करने के लिए। मोहम्मद आमिर का बेहतरीन ओवर दोस्तों, इस बार अगली बॉल इन स्विंग हुई है। ओ कितनी तो कटी थी बॉल दोस्तों, कितनी अंदर की तरफ आई, लेकिन रोहित शर्मा ने जड़ दिया एक और चौका मोहम्मद आमिर पर दोस्तों। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल दोस्तों ये भी अच्छे खेल रहे हैं आज, एक विकेट नहीं गिरा है भारतीय टीम का। इमान वसीम ओवर लेकर आए दोस्तों, यहाँ पर लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन आ चुके हैं। क्या यहाँ पर यशस्वी जायसवाल इनका युवक धोनी बॉलर है और युवक ही बल्लेबाज है। इमान वसीम तैयार है पर इस बार अगली बॉल दोस्तों यशस्वी जायसवाल के लिए, लेकिन क्लैब इस्तेमाल बेहतरीन टाइमिंग है, एक रन की मांग है और आसानी रन चुरा लिया पर दोस्तों, बहुत तेज भाग यहाँ पर यशस्वी जायसवाल। ये मुकाबला रोमांचक मुकाबला दोस्तों, यशस्वी जायसवाल जानते हैं बल्लेबाजी करना और उनके साथ जरूर जानते हैं दोस्तों ये बल्लेबाज रोहित शर्मा। रोहित शर्मा एंड यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छी बल्लेबाज दोस्तों। इस बार अगली बॉल ऑक्सफर्म के बाहर रखने को यहाँ पर, लेकिन क्लैब इस्तेमाल पकड़ लिया हवा में दोस्तों, तेज शॉट था लेकिन यहाँ पर 1 रन चुरा लिया दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ने, बहुत अच्छी बल्लेबाज दोस्तों। 34 बॉल मुकाबला लाजवाब चलता हुआ, क्या 104 रन बना पाई दोस्तों 34 बॉल पर 104 103 रन दोस्तों 103 यशस्वी जायसवाल दोस्तों स्टैंप आउट करके खेला शॉट, क्योंकि बॉल आउट स्विंग हुई, आउट स्विंग हुई, पहले से वो बाहर टिकी थी ऊपर से आउट स्विंग हुई और पूरा फायदा उठाया वहां पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने, जड़ दिया छक्का स्टैंप आउट करके। क्या बल्लेबाजी रविंदर जडेजा की, वो यशस्वी जायसवाल की बेहतरीन शॉट मारा यहाँ पर, बहुत अच्छी बल्लेबाजी दोस्तों। मुकाबला भारतीय टीम का नाम है आज, ये मुकाबला भारतीय टीम अपने हाथों से नहीं खोना चाहेगी। 35 बॉल 57 रन की दरकार दोस्तों, इमाद वसीम ओवर कर रहे हैं, एक छक्का खा चुके हैं। इस बार अगली बॉल दोस्तों यहाँ पर कट शॉट मारा है, बहुत अच्छा शॉट यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इतनी अच्छी आई नहीं बल्ले पे। अगर दोस्तों बैट पर अच्छी आ जाती थी शॉट, अच्छा खेल लेती यहाँ पर, लेकिन उतनी अच्छी आई नहीं थी बॉल दोस्तों वहाँ पर, वहाँ पर अपील नहीं हुई दोस्तों, बैट में लगी नहीं थी वहाँ पर दोस्तों, ये बात आप जान लीजिए, बैट पर नहीं लगी थी वहाँ पर। 32 बॉल
तो इस बार अगली बॉल दोस्तों यहाँ पर तैयार। दोस्तों लाजवाब का लगा इस्तेमाल, गेप में सौटे, टाइमिंग बेहतरीन है, चार रन जड़े दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ने, कलाइयों का इस्तेमाल दोस्तों, कोई फील्डर पीछे मौजूद नहीं और जड़ दिया यहाँ पर, रूम बना दोस्तों, जड़ दिया यहाँ पर रोहित शर्मा ने चार रन दोस्तों, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर, एज लगाए दोस्तों, लेकिन क्या करें फील्डर नहीं समझ पाए वहां पर और पीछे गई बॉल दोस्तों, बहुत ही तेज जंप शॉट यहाँ पर, भाग रहे थे फील्डर पीछे लेकिन इतना तेज था कि दोस्तों चार रन मिल गए वहां पर रोहित शर्मा को दोस्तों, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर रोहित शर्मा द्वारा, फील्डर दोस्तों थोड़े से दूर रह गए थे लेकिन इतना तेज था कि फील्डर को भी बीट गया वहां पर चार रन के लिए, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा की। 31 बॉल 92 रन की दरकार है, रोहित शर्मा तैयारी मान वसीम दोस्तों, अगली बॉल यहां पर बिल्कुल पैरों पर डाली लेकिन रोहित शर्मा ने बिल्कुल सामने मारा, इस बार पीच बल्ले पाई दोस्तों, बेहतरीन शॉट यहां पर दोस्तों जड़ दिया, मिड ऑफ के ओवर से मारा है रोहित शर्मा ने, लंबा और ऊंचा छक्का दोस्तों, 39 बॉल पर 54 रन पूरे किए यहाँ पर रोहित शर्मा ने, दो छक्के लगाकर बहुत तेज खेले दोस्तों आज, एक मोहम्मद आमिर पर मारा था और एक जड़ दिया यहाँ पर इमाद वसीम पर, बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद हफीज को स्पिनर को लाया गया दोस्तों, 23 बॉल 86 रन की दरकार है, तैयार है यहाँ पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल, इस बार हवा में उस टैंप आउट को बिल्कुल मारा सामने, पहली बॉल यशस्वी जायसवाल ने दबाव डाल दिया दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान के बॉलर हफीज पर, ये पार्टनरशिप दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी चलती हुई, 100 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है क्योंकि ओपनिंग नहीं टूटी दोस्तों यहाँ पर, 29 बॉल 80 रन की दरकार मुकाबले विन करने के लिए, यशस्वी जायसवाल रहते फॉर्म में, पहली बॉल पर छक्का लगा चुके हैं, इस बार अच्छा शॉट यहाँ पर कला का इस्तेमाल, एक रन की मांग है, बहुत तेज भागे दोस्तों यहाँ पर और आसान है यहाँ पर रन कम्प्लीट किया था दोस्तों यहाँ पर, बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर, मुकाबला रोमांचक चलता हुआ दोस्तों यहाँ पर, यशस्वी जायसवाल दोस्तों मात्र 2 रन से दूर अपने 53 बॉल पर इतने रन बनाकर खेल रहे दोस्तों, बार अगली बॉल तैयार यहाँ पर रोहित शर्मा, जी हाँ दोस्तों ऑक्सफर्ड के बाहर है लेकिन हवा में शॉट, पीछे हटे रूम बनाया हिमा यहाँ पर पीच पर, एक और छक्का, दो छक्के लगा चुके हैं यहाँ पर दोस्तों इस ओवर में, दो छक्के आ चुके हैं, नसीम शाह ओवर मौजूद जरूर है लेकिन उनके पास दोस्तों पेस वेस कुछ नहीं रही है, वो तेज बल्लेबाजी करते हैं लेकिन अब ये बेहतरीन फॉर्म में दोस्तों यहाँ पर, क्या बोल है अंदर का भाई स्टंप पर आई लेकिन यहाँ पर इतने अच्छी आ गई बैट पर दोस्तों, लास्ट टाइम पर लगाई है बैट पे और इतना अच्छा छक्का मारा है कि ऑफ साइड में फील्डर भी दोस्तों बॉल को देखता रह गया, बहुत ही लाजवाब शॉट, अनोखा शॉट मारा यहाँ पर रोहित शर्मा ने दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया करना ना भूल दोस्तों, 27 बॉल 73 रन की दरकार मुकाबले को करने के लिए, इस बार अच्छी बॉल दोस्तों कला का इस्तेमाल, कवर ड्राइव बेहतरीन, कवर ड्राइव पीछे फील्डर है बीट किया है जो यहां दोस्तों पॉइंट पर मारा है शॉट, लाजवाब बल्लेबाजी, क्या मुकाबला है, क्या भारत टीम आज इस मुकाबले को नाम कर पाएगी, कमेंट में जरूर बताइए, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, आज के मुकाबले रोमांच चलता हुआ भारत बनाम पाकिस्तान, मोहम्मद रिजवान दोस्तों विकेट कीपर है, वो सिर्फ बॉल को देखते रह रहे हैं क्योंकि बहुत मार रहे हैं यहाँ पर, रोहित शर्मा 64 रन बनाकर खेल रहे हैं, 26 बॉल इस बार अगली बॉल, एक बार कर लेगा इस्तेमाल, बैट इतना ज्यादा स्विंग नहीं हुआ है दोस्तों, अगर थोड़ा सा और स्विंग हो जाता तो गेम ढूंढ लेते यहाँ पर रोहित शर्मा लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर रोहित शर्मा द्वारा, मुकाबला लाजवाब दोस्तों यहाँ पर, मोहम्मद हफीज यहाँ पर ओवर कर रहे दोस्तों, इस ओवर में अभी तक 12 और 4 16 और 2 18 रन आ चुके दोस्तों, इस बार ये अच्छा बॉल लाजवाब टाइमिंग पीछे फील्डर पाएंगे दोस्तों, इसी के साथ सिंगल के साथ ओवर समाप्त, ओवर से आए 19 रन दोस्तों, अब 24 बॉल पर भारत टीम को 67 रन कार है, ओवर लेकर आएंगे हम पर इमाद वसीम दोस्तों, फिर से स्पिनर को लाया गया है क्योंकि पिछले ओवर में बहुत पिटे थे, फिर से स्पिनर आ चुके हैं दोस्तों, इस बार अच्छी बॉल यहां पर कट शॉट मारा है दोस्तों, बेहतरीन टाइमिंग लेकिन पीछे फील्डर बहुत अच्छी फील्डिंग करके वो रन बचाए दोस्तों, लेकिन वहां पर एक रन आसानी से चुरा लिया दोस्तों, रोहित शर्मा ने अच्छा शॉट खेला था पिछली बॉल, पिछले ओवर में भी यही शॉट खेला था, वो भी फील्डर ने रोक लिया था, जी हां दोस्तों, लेकिन तेज खेल रहे हैं यहां पर यशस्वी जायसवाल एंड रोहित शर्मा, क्रीज चेंज कर चुके इस बार उनको पहले पैर पर बॉल लेकिन शॉट लाजवाब, जी हां दोस्तों दो रंगी मांगे बहुत तेज भागे रोहित शर्मा, क्या रन कंप्लीट कर पाएंगे दोस्तों, रन कंप्लीट कर पाएंगे, कर लिया बहुत तेज भागा पर दोस्तों आसानी से, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल 55 बॉल पर 50 रन कंप्लीट किया, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ दोस्तों
मुकाबला लाजवाब 22 बॉल पर 65 रन की दरकार है। यशस्वी जायसवाल तैयार इस बार अगली बॉल के लिए। दोस्तों इस बार अच्छा बॉल यहां पर दोस्तों रन कैंसिल किया वहां पर रोहित शर्मा ने। जी हां दोस्तों बहुत ही अच्छा शॉट सामने माना चाहता थे लेकिन दोस्तों बल्ले पर अच्छी आई नहीं। अच्छा डिफेंस वहां पर यशस्वी जायसवाल द्वारा। मुकाबला बेहतरीन बहुत अच्छी बल्लेबाजी 21 बॉल पर 65 रन की दरकार है। मुकाबले को विन करने के लिए जायसवाल दोस्तों इस बार अगली बॉल इस बार पैरों पर बॉल है लेकिन कला का इस्तेमाल बेहतरीन शॉट यहां पर लेकिन पीछे फील्डर को पाएंगे और आसानी से एक रन चुरा लिया दोस्तों यहां पर। बहुत अच्छी बल्लेबाजी बहुत ही तेज और मुकाबला रोमांचक यहां पर चलता हुआ। यशस्वी जायसवाल दोस्तों रोहित शर्मा तैयार है मात वसीम की चार बॉल हो चुकी है अभी तक एक छक्का नहीं आया लेकिन ये रोहित शर्मा ने उठाकर खेला ये लाजवाब खेला नौ का शॉट मारा है 360 की तरह शॉट मारा दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ने स्टंप आउट किया लाजवाब खेला वहां पर कलायो का इस्तेमाल जड़ दिए पूरे 6 रन। जी हाँ दोस्तों रोहित शर्मा ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा बल्लेबाज यहाँ पर रोहित शर्मा है तो दोस्तों सब मुमकिन है। ओ क्या शॉट मारा है क्या शॉट मारा है बिल्कुल बैट को दोस्तों इसी तरह खेला है कि बीच बल्ले पे लगकर 6 रन के लिए चली गई वो बॉल बेहतरीन छक्का यहाँ पर रोहित शर्मा दोस्तों 70 रन बनाकर खेल रहे हैं यहाँ पर। क्या है मुकाबला दोस्तों भारतीय टीम अपने नाम कर पाई जरूर से कमेंट कीजिए लाइक कीजिए। 19 बॉल दोस्तों 19 बॉल पर 58 रन की दरकार है। इस बार अगली बॉल दोस्तों इस बार भी पैर पर शॉट है लाजवाब टाइमिंग है लेकिन पीछे फील्डर है एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोस्तों यहां पर। अब 18 बॉल पर 57 रन की दरकार है ओवर समाप्त हो चुका है यहां पर दोस्तों इमाद वसीम का। यशस्वी जायसवाल अच्छे खेले दोस्तों रोहित शर्मा बेहतरीन खेले यशस्वी जायसवाल तीनों खेले लेकिन रोहित शर्मा की ताकत तो आपको पता ही है कि वो तेज ही खेलते हैं। मोहम्मद हफीज फिर से ओवर लेकर आए दोस्तों तैयार इस बार लाजवाब कट शॉट खेलने की कोशिश लेकिन फिर से फील्डर को पाया है तेज भागे दोस्तों तेज भागे और एक रन आसानी चुरा लिया वहां पर बहुत लेट भागे थे दोस्तों रोहित शर्मा वो बिल्कुल भी कॉल नहीं थी उनके रन के लिए भागने की क्योंकि डायरेक्ट हाथ में गई थी वो बॉल रन के लिए भागे और आसानी से कंप्लीट किया यहां पर दोस्तों ये रन। बहुत अच्छा मुकाबला यहाँ पर यशस्वी जायसवाल दोस्तों बेहतरीन बल्लेबाज करते हुए 57 बॉल पर 51 रन बना खेल खेल रहे हैं। इस बार लाजवाब टैकल है इस्तेमाल पीछे फील्डर है बीट क्या है कलायक इस्तेमाल 4 रन के लिए दोस्तों मिड विकेट पर जाकर यहाँ पर 4 रन के लिए बहुत अच्छी बल्लेबाजी खड़े खड़े शॉट खेला पहाड़ी तरफ बॉल निकली लेकिन यशस्वी जायसवाल ने पढ़ा दोस्तों उस बॉल को और जड़ दिया यहाँ पर बेहतरीन चौका दोस्तों बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से जैसे शॉट बैल से लगा तुरंत बैट नीचे रख लिया दोस्तों वहां पर यशस्वी जायसवाल ने फिर वो धीरे हो गए थे क्योंकि तेज शॉट था तो 4 रन मिल जाएगा। 16 बॉल 52 रन इस बार चेप शॉट मारा है यशस्वी जायसवाल ने मारा है वहां पे मारा है वन बाउंस एक और चौका दोस्तों कलाय को इस्तेमाल लेकिन मौका मिला उनको चेप शॉट जड़ा जड़ दिया यहाँ पर इस दोस्तों पॉइंट के ऊपर था यहाँ पर बड़ा चौका पर चौका जड़ दिया दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा शॉट यहाँ पर चेप शॉट मारा है यहाँ पर और ये मुकाबला बहुत ही तगड़ा चल रहा है यहाँ पर जड़ दिए पूरे पूरे 4 रन दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही तगड़ा मुकाबला चल रहा है दोस्तों ये आज का मुकाबला भारत टीम किसी को हाथ नहीं देना चाहेगी ऐसी बल्लेबाज चलती रही तो दोस्तों आज का मुकाबला बहुत ही बेहतरीन हो रहा है यहाँ पर। फील्डर नीचे मौजूद जरूर थे लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए सिर्फ बॉल को वॉच करते रहे। 15 बॉल 48 रन की दरकार दोस्तों इस बार तैयार अंदर तरफ आई हफीज पर सामने मारा एक और हवा में एक और लाजवाब एक और छक्का दोस्तों मिड ऑन के ऊपर से मारा इस बार डाउन यहाँ पर डाउन द ग्राउंड मारा दोस्तों बेहतरीन छक्का यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले साथ हुआ दोस्तों। बॉल पड़ने के बाद धीमे आ रही बैट पर दोस्तों लेकिन वो शॉट इतना ज्यादा कि ताकत लगा इस बॉल में और हवा में उड़ती चली गई कितनी ताकत थी इसमें कि पूरे के पूरे 6 रन देकर गई यहाँ पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल एंड रोहित शर्मा की दोस्तों आज का मुकाबला रोमांचक मुकाबला बाबर आजम समझाने आया यहाँ पर बॉलर को लेकिन अब क्या करने वाले बॉलर नहीं समझ मार रहे हैं दोस्तों। 14 बॉल 42 रन की दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार अगली बॉल दोस्तों ऑफ स्टंप पे बाहर लगे लेकिन एक और हवा में शॉट इस बार मिड विकेट के ऊपर से मारा है और इस बार भी छक्का मारा है दोस्तों ये दबाव दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा पाकिस्तान पर आ चुका है। ये मुकाबला रोमांचक चलता है दोस्तों भारत बनाम पाकिस्तान का बेहतरीन राइवरी होती है यहाँ पर और आज का मुकाबला बहुत ही तगड़ा चलता हुआ दोस्तों बहुत ही ज्यादा बॉल बहुत ही लेट बैट घुमाया दोस्तों यहाँ पर लेकिन पता था हमको कि बीच बल्ले पे आएगी और बीच बल्ले पे मतलब 6 रन के लिए जाएगी क्या बात है यशस्वी जायसवाल यहाँ पर अलग ही अंदाज दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए आज एक ओवर रोहित शर्मा खेल रहा है और एक ओवर खेल रहा है यशस्वी जायसवाल दोनों ओवर बांट लिए क्योंकि मुकाबला अभी तक एक विकेट नहीं गिरी है। 13 बॉल पर 36 रन दरकार है
इस बार अगली बॉल दोस्तों अंदर तरफ आएगी, लेकिन एक और हवा में, ये दोस्तों तीसरा छक्का और दो छक्के, इस ओवर में बहुत महंगा ओवर साबित हुआ ये छक्का है दोस्तों, ये हैट्रिक लगा दे छक्के की यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों, पार्टनरशिप 150 रन की पार्टनरशिप यहाँ पर मुकाबला दोस्तों, क्योंकि एक भी विकेट नहीं गिरी है, क्या ये चीज कर पाएगी भारतीय टीम यहाँ पर, अगर दोस्तों विकेट गिरते थे मुकाबला बहुत ही मुश्किल होता। नसीम शाह ओवर लेकर आया यहाँ पर दोस्तों, 3 ओवर में मात्र 15 रन दिए, तैयार है पर 12 बॉल पर 30 रन की दरकार है, और तैयार दोस्तों रोहित शर्मा 74 रन बनाकर खेल रहे हैं, उनके लिए पहली बॉल दोस्तों यॉर्कर मारी हवा में सिविंग, लेकिन कला का इस्तेमाल अच्छा है, एक रन की मांग है, बहुत तेज भाग यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों, दूसरे रन को कैंसिल किया, यशस्वी जायसवाल आ चुके हैं स्ट्राइक पर, लेकिन नसीम शाह दोस्तों बेहतरीन यॉर्कर मारी यहाँ पर रोहित शर्मा को, इसलिए रोहित शर्मा को वहाँ पर कला का इस्तेमाल करना पड़ा, क्या बात है यहाँ पर नसीम शाह के लिए दोस्तों, नसीम साहब बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, उनकी बॉल अगर दोस्तों डायरेक्ट अगर यॉर्कर मारना चाहते हैं तो वो स्टंप को फाल दे सकते हैं, लेकिन ये कला इस्तेमाल यशस्वी जायसवाल ने सामने मारा दोस्तों, किसी फील्डर को मौका नहीं, 4 रन जड़ दिए पूरे पूरे यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से यहाँ पर दोस्तों, बेहतरीन टाइमिंग और लाजवाब बल्लेबाज यहाँ पर दोस्तों, मुकाबला रोमांचक चलता हुआ यहाँ पर, यशस्वी जायसवाल दोस्तों बहुत अच्छा शॉट मारे, क्योंकि ये बॉल आउट स्विंग बाहर की तरफ जाना चाहती थी और जाने नहीं दिया वहां पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने, बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी यहाँ पर दोस्तों, आज का मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान के बीच में मुकाबला जरूर से भारत टीम अपने हाथों से नहीं जाने देगी, ध्यान दोस्तों आज का मुकाबला भारत टीम देना नहीं चाहिए अपने हाथों से, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर चलती हुई दोस्तों, यशस्वी जायसवाल जानते हैं, रोहित शर्मा भी जानते हैं 10 बॉल पर 25 रन की दरकार है इस बार अगली बॉल दोस्तों यहाँ पर, ओ ज्यादा स्विमिंग हुई है, बहुत ज्यादा स्विमिंग हुई दोस्तों, ये क्या है, अगर ये अपील हुई है तो दोस्तों ये आउट है, स्विमिंग ज्यादा हुई अगर अपील हुई है तो आउट है, अगर बेट पे लगी है तो दोस्तों नॉट आउट है, बेट पर लग गए दोस्तों वहां पर, क्या यॉर्कर मारी है दोस्तों नसीम शाह ने, इनकी बॉलिंग बेहतरीन बॉलिंग होती दोस्तों, 9 बॉल पर 24 रन की दरकार मुकाबले को विन करने के लिए, नसीम शाह पर अगली बॉल दोस्तों इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन इस बार सामने खेला दोस्तों अपील हुई है और लेकिन ये तो बैट पर लगा, इस बात में क्या किस चीज की अपील यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन इस बार ये पक्का आउट है, इस बार ये अच्छी अपील है, रन आउट है दोस्तों यहाँ पर, एम्पायर का फैसला पर रोहित शर्मा के लिए रन आउट, बहुत ही खतरनाक बॉल दोस्तों, रन के लिए भागे, दूसरे रन की मांग थी वहां पर, बाबर आजम दोस्तों कोई गलती नहीं की, उठाया और डायरेक्ट थ्रो मारा दोस्तों वहां पर, आए आए और बैट नहीं टेका दोस्तों, आ चुके थे लेकिन बैट तो टेका ही नहीं, रोहित शर्मा पर अपनी गलती से आउट हो चुके दोस्तों, 48 बॉल पर 75 रन बनाकर आउट हो चुके रोहित शर्मा, शुभमन गिल आ चुके दोस्तों उनके बाद, शुभमन गिल तीसरे नंबर पर दोस्तों, शुभमन गिल को मौका मिला है, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आएंगे विराट कोहली, की जरूरत पड़ेगी विराट कोहली के यहाँ पर, 8 बॉल पर 23 रन की दरकार है, यशस्वी जायसवाल तैयार है, नसीम का बेहतरीन बॉलिंग कर रहे दोस्तों, इस बार अगली बॉल दोस्तों बिल्कुल यॉर्कर मारी, लेकिन यॉर्कर मारा सामने उठाकर मारी, यशस्वी जायसवाल ने छक्का, नसीम साहब पर दोस्तों एक चौका लगाया, दूसरी बॉल पर छक्का, क्या बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल की दोस्तों, ये बल्लेबाज लाजवाब है, क्या यॉर्कर पड़ी दोस्तों, बिल्कुल यॉर्कर मारना चाहते थे, लेकिन ये बॉल बीच बैट पर आई और पूरी ताकत लगा के यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने शॉट खेला दोस्तों, बेहतरीन छक्का यहाँ पर, क्या शॉट मारे सामने उठाकर खेला यहाँ पर दोस्तों, बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी है, मुकाबला बहुत ही तगड़ा चल रहा है यहाँ पर, आज के मुकाबले दोस्तों भारतीय टीम अपने हाथों से नहीं देना चाहेगी दोस्तों, 7 बॉल 17 रन की दरकार, यशस्वी जायसवाल तैयार दोस्तों, नसीम साहब इस बार दोस्तों, ओ क्या बोल रही है, क्या अपील हुई है लेकिन ये यॉर्कर है नसीम साहब ने दोस्तों यशस्वी जायसवाल को क्या है चलता, क्या बात है नसीम साहब मान गए तुझे, लेकिन यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने लिया रिव्यू दोस्तों, ये अच्छी यहाँ पर चौका अच्छा मारा था, छक्का भी अच्छा मारा था, लेकिन जीत हुई आखिरकार बॉलर की, बहुत अच्छी बॉल यहाँ पर, कोई नो बॉल नहीं है, जी हाँ दोस्तों बहुत अच्छी बॉल यहाँ पर नसीम शाह की, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर जब तक पड़ पाए तब तक तो ये बॉल यहाँ पर छूकर निकल गई थी दोस्तों, यशस्वी जायसवाल नहीं पड़ पाया दोस्तों बॉल को और दे बैठे वहां पर बड़ी विकेट, क्या बात है दोस्तों नसीम शाह बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पर, देखने वाली बात होगी इम्पैक्ट इन लाइन, जी हाँ तो पिच इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन
विकेट हिटिंग है दोस्तों, कोई मौका नहीं है यहाँ पर आउट के जो तो बचने के लिए यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। नसीम शाह ने विकेट चट गया, 88 रन बना कर गए यहाँ पर दोस्तों। यशस्वी जायसवाल मैन ऑफ द मैच इनको मिलने वाला है आज, अगर भारतीय टीम जीती तो मिलेगा दोस्तों। विराट कोहली एंट्री कर चुके दोस्तों आज के मुकाबले में, इनकी जरूरत पड़ चुकी है यहाँ पर। यहाँ दोस्तों जहाँ पर जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, शादाब खान 6 बॉल 17 रन दोस्तों। शुभमन गिल को तेज खेलना पड़ेगा पहली बॉल पर ही, शादाब खान की इस बार। अगली बॉल दोस्तों शुभमन गिल ने पहली बॉल को उठा के खेला यहाँ पर, बिल्कुल दोस्तों बीच बल्ले के नीचे डाल दी, लेकिन शुभमन गिल ने जड़ दिया सामने, मारा उठाकर छक्का दोस्तों। पहला छक्का आ चुका है बॉल से, क्या शॉट मारा है यशस्वी जायसवाल नहीं दोस्तों शुभमन गिल ने मारा है बिल्कुल पैरों पर बॉल, लेकिन ये सामने डाउन द ग्राउंड फ्लैट ऊंचा, और ये बहुत ही बड़ा छक्का मारा यहाँ पर दोस्तों यशस्वी गिल ने। पहली बॉल पर खाता खोला 6 रन से, क्योंकि मुकाबले में भारतीय टीम को अब 11 रन की दरकार है, 5 बॉल पर 11 रन। जी हाँ दोस्तों 5 बॉल पर 11 रन की दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों ये इस बार अगली बॉल दोस्तों ये भी हवा में, ये सिर्फ हवा में, क्या दूर है। जी हाँ दोस्तों ये तो बहुत दूर गया यहाँ पर, ये छक्का जड़ दिया यहाँ पर, ये शुभमन गिल ने एक और छक्का, क्या बहुत ही अनोखा शॉट खेला इस बार दोस्तों। एक पैर हवा में रखा और दूसरा पैर जमीन पे और जड़ दिया छक्का, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, क्या मुकाबला है। बल्ला कट लगी, जी हाँ दोस्तों क्या छक्का मारा ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी दोस्तों यहाँ पर। ये मुकाबला रोमांचक मुकाबला, ये भारत टीम दोस्तों आज के मुकाबले अपने हाथों से नहीं जाने देगी, जरूर अपने हाथों से पक्ष बनाकर रख लेगी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल ने छक्का मारा है पाकिस्तान पर दोस्तों, भारत बनाम पाकिस्तान। 4 बॉल 5 रन की दरकार इस बार, अच्छी बॉल दोस्तों कला का इस्तेमाल, बेहतरीन टाइमिंग, पीछे फील्डर है, 1 रन की मांग, 86 रन कम्प्लीट यहाँ पर दोस्तों। 3 बॉल 4 रन की दरकार मुकाबले को जीतने के लिए दोस्तों यहाँ पर। विराट कोहली स्ट्राइक पर जरूर है, विराट कोहली को दी गई यहाँ पर स्ट्राइक, सामना करेंगे यहाँ पर स्ट्राइक पर दोस्तों विराट कोहली। क्या टीम कोहली दोस्तों, क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी इस बार। विराट कोहली के बल्ले से कवर ड्राइव, लेकिन डायरेक्ट फील्डर के हाथ में बाबर आजम को लगाया गया, 1 रन की मांग, 2 रन कम्प्लीट कर लिया दोस्तों। विराट कोहली भागते तेज और आसान रन कम्प्लीट यहाँ पर दोस्तों। शुभमन गिल को स्ट्राइक दे दी गई है, शुभमन गिल को स्ट्राइक दी गई दोस्तों। 2 बॉल पर 3 रन की दरकार है, शुभमन गिल तैयार है इस बार, अगली बॉल शुभमन गिल के लिए दोस्तों, लेकिन ये लाजवाब उठाकर खेला, टाइमिंग बेहतरीन है दोस्तों, मिड ऑन के ऊपर से मारा है यहाँ पर शुभमन गिल ने, मारा है बड़ा छक्का दोस्तों। 2 बॉल पर 3 रन की दरकार थी, लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल ने जड़ दिया छक्का, क्या बात है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी दोस्तों यहाँ पर आज का मुकाबला तगड़ा चलता हुआ दोस्तों। लाइक नहीं है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों ये मुकाबला बहुत अच्छा चलता हुआ, जी हाँ दोस्तों 8 विकेट से मुकाबला जीता है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें दोस्तों। 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉप वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय बाय। अगर बाय बाय दोस्तों, मुकाबला जीत लिया है भारतीय टीम ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी शानदारी बल्लेबाजी के साथ।